हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीतास रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूजी का खजूर बना के दिखाने जा रही हूँ। सूजी के खजूर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मैदा ले रखी है, प्लस शुद्ध घी। और इसमें डालने के लिए कुछ सामग्री ली है स्वाद टेस्ट के लिए। आप इसमें गड़ी का कटिंग करके डाल सकती हैं, इलायची, सौंफ स्वाद के लिए। खजुरिया बनाने के लिए इन सब सामग्री को लेना है। मैंने एक बॉल ली है, इस बॉल में एक कटोरी मैदा डाल रही हूँ। प्लस दो कटोरी मैदा और दो कटोरी मैदा में बड़ा चम्मच से दो चम्मच सूजी, बड़ा ही क्रेपसी और अच्छा बनता है। इसका हम मिश्रण कर लेंगे अच्छे तरह से। सूजी और मैदे के मिश्रण में मैं हाफ कटोरी घी रखी, आप जरूरत के अनुसार ही दीजिएगा, ज़्यादा और कम खजूर बनाते हैं उस तरह से। और इसे अच्छी तरह से मिलाना है, अच्छे तरह से सूजी और मैदे को मैंने मिला लिया है। और इसमें जो मोम दी है उससे देखिए इस तरह का यदि लड्डू बनता है तो सोचिए कि इसमें मोयन जो है अच्छे तरह से मिल गया है। और इसमें हमें ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ये खजूर नहीं बनेगा, जिसे खजुरिया भी लोग बोलते हैं। इसमें एक कप चीनी दूंगी मैं, हमारी चीनी मोटी है, इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। इसके साथ इलायची भी पीस लूँगी थोड़ा बहुत। इस तरह का मोयन होना चाहिए, मतलब कि इसमें मोम डला जो डाले हैं वो ठीक है, और ज़्यादा डालने से फिर फट जाएगा और अच्छा से खजुरिया नहीं बन पाएगा। और इसमें ऐड करने के लिए एक कटोरी मैंने चीनी लिए हैं, और इस चीनी यदि मोटी है तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें मैं सौंफ, गड़ी डाल रही हूँ और इलायची अच्छे तरह से इसे मिलाकर पानी के छींटा मारकर इसे गूंथ लूँगी। मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ अपने स्वाद अनुसार, कम बेसी। यह आटा मैदा गुथा गया है, इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देना है, जिससे कि सूजी, चीनी ये सब मिक्स हो जाए। इसे हम आधा घंटा 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटा या 20 मिनट के बाद ये इस तरह से इसमें सारे मिक्स हो जाएंगे, बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। अब इसे गोल गोल खजूर का रूप दे देंगे। मैं इसे बनाने की विधि बता रही हूँ, इस तरह से गोल कर लें और गोल करके
लंबा फैला दे और फिर इसे चाकू से कटिंग करें एक एक करके। इस तरह से पीसेस निकाल लीजिए, जैसे कि हम मैंने कर रखा है कट। इस तरह से स्लाइस के रूप में मैंने काट लिया है। अब चाहें तो इसको इस तरह से दबा भी सकते हैं, इसको आकार दे सकते हैं। ये हमारा सूजी और मैदे का खजूरिया। इधर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और मैं इसमें डाल रही हूँ लौटते रहना है। इस तरह ब्राउन होने तक भूनना है। यह हमारा तैयार हो गया है खजूरिया। इसमें प्लेट में निकालती हूँ। मैं आप सभी को सूजी का खजूरिया बनाकर दिखाई हूँ। ये नया तरह से है और इसके बनाने की विधि भी मैं बताई हूँ कट करने का। और देखिए कितना ही सॉफ्ट और क्रिस्पी जैसा लग रहा है, खजूर की तरह। खाने में भी टेस्टी है, कुरकुरेदार है। आप सूजी के खजूरिया को बनाएं, आपको ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हमारा यह खजूर, सूजी वाला खजूर, बहुत ही कुरकुरेदार और स्वादिष्ट बना है। आप लोग एक बार इसे ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।